नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ देवानंद शुक्ला। 1 जुलाई से देश में भारतीय आपराधिक कानून की रूपरेखा को बदल दिया गया है। जो कानून देश में लंबे समय से चले आ रहे थे, उन पर 1 जुलाई से पूर्ण विराम लगा दिया गया है। ब्रिटिश काल से चले आ रहे इन 3 नए कानूनों में एकदम से इनको जो है बदल दिया गया है। और ये जो कानून बदले गए हैं, संसद के पिछले सत्र में ही इनको पारित किया गया था, लेकिन तब इनको लागू नहीं किया गया था और अब जाके इनको जो है लागू किया गया है। और ये 3 नए कानून आम आदमी पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के हाई कोर्ट से आकाश मिश्रा जी। नमस्कार, आपका स्वागत है देसी न्यूज में। नमस्कार सर। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो 3 नए कानून देश में लाए गए हैं या इन पे बदलाव किया गया है, जो आपराधिक कानून है, ये आम आदमी पर कितना असर डाल सकते हैं और ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा से बताइए। सर, जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है कि इन 3 कानूनों के बारे में, सबसे पहले मैं आपके चैनल देश हित के माध्यम से देशवासियों को और खासकर देश की जनता को ये बताना चाहूंगा कि ये 3 नए कानून क्या हैं, जिनका केवल या नाम ही परिवर्तन हुआ है या इसके अंदर जो प्रोसेस है, जो सेक्शंस हैं या जो इसके ट्रायल्स हैं, उसको भी चेंज किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को बताना चाहता हूँ कि 3 नए जो कानून 2023 में लागू होकर और 1 जुलाई से इफेक्टिव हुए हैं, वो 3 कानूनों के नाम इस प्रकार से चेंज किए गए हैं। जैसे पहले हमारा एक कानून हुआ करता था जिसका नाम द इंडियन पेनल कोड हुआ करता था, ये इसको इन शॉर्ट में आईपीसी बोलते थे। ये आईपीसी आम जनता के लिए केवल एक नाम भर का रह गया था, कई आम लोग इस नाम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे जी। तो अभी जो नया रिप्लेसमेंट आया है आईपीसी का, उसका नया नाम निर्धारित हुआ है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता ने आईपीसी को रिप्लेस किया है। ऐसे ही हमारा एक पुराना कानून हुआ करता था जिसका नाम था द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको इन शॉर्ट में सीआरपीसी कहा जाता था। तो सर, इस सीआरपीसी को रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने। और ऐसे ही एक हमारा कानून हुआ करता था जिसका नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट, उस इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने। तो इन 3 नियम में क्या चेंजेस हुए हैं, इसको बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इन 3 कानून को में बदलाव करते समय इस बात का ध्यान रखा है कि हम नए कानून का, नए एक्ट का नाम इस प्रकार से रखें कि आम जनता उसको आसानी से बोल सके। और इसके नाम में ही इसका महत्व छुपा हुआ है। जैसे भारतीय न्याय के अंदर नागरिक को पता है कि यहाँ हमें न्याय मिलेगा, ऐसे ही भारतीय नागरिक सुरक्षा के अंदर हर नागरिक को पता है कि हमें यहाँ पर सुरक्षा मिलेगी, और ऐसे ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर व्यक्ति को पता है कि हमें अपने साक्ष्य प्रस्तुत करके, यानी अपने एविडेंस प्रस्तुत करके किस प्रकार से न्याय को प्राप्त करना है। तो हमारी सरकार ने इन 3 कानूनों में बदलाव लाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जो नाम हम नए एक्ट के अंदर लेके आ रहे हैं, उन 3 नाम के प्रोनंसिएशन में उसको बुलाते समय आम जनता बिल्कुल भी निर्भय ना हो, बिल्कुल भी आम जनता को बोलने में कठिनाई ना हो, इस वजह से सरकार ने इन 3 एक्ट के नाम को रखा है। ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है जी। तो सर, इनको मतलब बदलाव क्यों लाया गया है? हाँ, ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा है। सर, इन 3 एक्ट में बदलाव की आवश्यकता इस प्रकार पड़ी कि अगर आप भारत का कानूनी इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 एक्ट बहुत पुराने एक्ट हैं। अगर मैं इनके समय काल की बात करूं तो एक एक्ट आपका 1860 का है, एक एक्ट आपका जो है वो लगभग 1974 का है, फिर एक एक्ट जो है वो 1872 का है। यानी ये 3 एक्ट हमारे आजादी से पहले के समय के हैं। यानी इन एक्ट को हमने नहीं बनाया, इन एक्ट को अंग्रेजों ने बनाया था अपनी सोच के अनुसार, अपने नियम और कानूनों के अनुसार, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसका फॉलो करते आ रहे थे। इसमें कई बार जनता को न्याय मिलता था और कई बार जनता केवल और केवल कोर्ट में चक्कर काटती रह जाती थी, लेकिन उनको पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल पाता था और हमारी न्यायपालिका बाध्य होती थी कि उन्हें केवल और केवल इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही न्याय करना है। तो सरकार को समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, व्यक्ति की सोच को ध्यान में रखते हुए और आज की जनता की पुकार को ध्यान में रखते हुए ये बात समझ में आई है कि हमें इन 3 एक्ट में चेंज करना चाहिए। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा
कि इन तीनों एक्ट में बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, एक आईपीसी का सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 498A। ये 498A ये बताता है कि यदि किसी लेडीज को, कोई भी परिवार के लोग, किसी मैरिड वुमेन को अगर उसके मैट्रिमोनियल हाउस में परेशान किया जाता है, उससे बार बार दहेज मांगा जाता है, शादी दहेज के बल पर की जाती है, शादी हो जाने के बाद में दहेज मांगा जाता है, और दहेज ना दे देने की स्थिति में उसको घर से निकाल दिया जाता है या उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसे में उस महिला के पास अधिकार था कि वो अपनी कंप्लेंट पुलिस में रजिस्टर्ड करा सकती है उन सभी लोगों के अगेंस्ट में, और उस सभी लोगों में एक्यूज उस फैमिली मेंबर को कंसीडर किया जाता था। वो सेक्शन 498A था। जब ये सेक्शन सरकार देख रही थी, इसमें बदलाव की कोशिश कर रही थी, तो सभी जनता को उम्मीद थी कि शायद हो सकता है इस सेक्शन में और कुछ चीजें ऐड की जाए, लेकिन इस सेक्शन में कोई खास बदलाव ना करके इसे नई भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 85 के थ्रू दर्शा दिया गया, जो बिल्कुल एज इट इज है, बल्कि वुमेन की पावर को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। तो हम अपने देश की सभी महिलाओं से, अपनी माताओं बहनों से ये अपेक्षा करते हैं कि यदि किसी भी समय पर उनको ऐसा लगता है कि उनके मैट्रिमोनियल हाउस में उनके साथ में पारिवारिक झगड़े या उनके साथ में कोई भी डॉरी या दहेज की मांग की जाती है, तो अभी तक पुराने एक्ट में वो 498 के अंदर अगर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा रही थी, तो अब उनको 85 के अंदर रजिस्टर्ड कराना है। बाकी जो इसके प्रोसिक्यूशन है, जो इसके क्या नाम है, इसका प्रावधान है या इसके अंदर सजा है, वो एज इट इज रखी। इसके वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसे कुछ ऐसे होंगे जो फायदे आम जनता के लिए बेहतर होगा कि हाँ ये फायदा इनके लिए बेहतर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा, एक बात मैं आपको आपके चैनल देश हित के माध्यम से बताना चाहता हूँ। कई जनता के दिमाग में ये सवाल है कि हमारे कुछ केस ऐसे हैं जो अभी तक चलते आ रहे हैं और बहुत समय से चलते आ रहे हैं, तो क्या 1 जुलाई से ये तीनों एक्ट में बदलाव हो जाने के कारण क्या हमारे उस केस में भी कोई बदलाव आएगा जो कोर्ट में अभी चल रहे हैं? तो मैं देश के सभी लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों का केस किसी भी कोर्ट में चल रहा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनके ऊपर वही पुराने एक्ट, वही पुराने नियम और कानून अप्लीकेबल होंगे, नए एक्ट और नए सेक्शंस का उन पुराने केसेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो एक्ट आया है 2023 में, जो 1 जुलाई से इफेक्टिव हुआ है, ये हमारे नए फाइलिंग के लिए है, हमारे नए केसेस के लिए है, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। तो आम जनता को सबसे बड़ा फायदा ये है, उनके अंदर कंफ्यूजन है उनके मन में, वो अपने वकीलों से बात करना चाहते हैं, या कई बार वकील ना हो पाने की वजह से आपस में बात करते हैं कि जो हमारे अभी तक केस चल रहे थे उनके ऊपर क्या नियम और कानून बदल जाएंगे। तो कोई नियम कानून नहीं बदलेंगे, आपके ऊपर वही पुराने एक्ट के नियम कानून लागू होंगे। 1 जुलाई के बाद जितनी भी नई फाइलें होंगी, नई फाइलिंग होगी इन तीनों एक्ट से रिलेटेड, उसके ऊपर इन तीनों एक्ट के नियम और कानून अप्लीकेबल होंगे। अच्छा, सतर्क रहने के लिए आम आदमी को कैसे रहना पड़ेगा इस कानून के? आम आदमी को सतर्क रहने की आवश्यकता ये है कि इस तीनों के तीनों एक्ट में, मैं सर आपको आपके चैनल के थ्रू ये बात बता देना चाहता हूँ कि हमने इस तीनों एक्ट में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया है। 60% सेक्शंस, रूल्स, ऑर्डर्स, चैप्टर्स सेम है। चेंजेस क्या हुआ है? चेंज में पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाया गया है। अच्छा। थाने पुलिस स्टेशन के रोल को बढ़ाया गया है। पुलिस की, आईओ की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही को बढ़ाया गया है। अभी तक आम जनता के साथ पुलिस अपनी मनमानी करती थी, कई बार अपने अधिकारों का रूप दिखाकर उनको डरा धमका कर वापस भेज दिया जाता था। किसी व्यक्ति का यदि कोई अधिकार है FIR को लेकर, वो अधिकार उसको मिल नहीं पाता था, तब उसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। कोर्ट के पास ऑलरेडी बर्डन है, ऑलरेडी पिटीशन पेंडिंग है, इस वजह से वो टाइमली FIR रजिस्टर्ड नहीं हो पाती थी। तो इन तीनों एक्ट के अंदर पुलिस के ऊपर कुछ ऐसी जवाबदेही लागू की गई है, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लागू की गई है, जिसमें पुलिस वालों को एक टाइम पीरियड के अंदर FIR को रजिस्टर्ड करना है, फिर FIR रजिस्टर्ड करने के बाद में टाइमली इनको चार्जशीट सबमिट करनी है, फिर चार्जशीट सबमिट करने के बाद में ट्रायल फॉलो करना है। इसका मतलब यह है कि अब पुलिस वाले अगर किसी सिचुएशन में FIR होना कंपलसरी है या FIR होनी चाहिए,
वहां एफआईआर करने से मना नहीं कर सकते। पहले भी था ये कंसेप्ट, लेकिन पहले उनके ऊपर कोई ऐसी जवाबदेही नहीं थी, तो वो मैटर कई बारी कन्वर्ट हो जाता था। आपराधिक संदिग्ध आपराधिक मामले जिनको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, वो कई बारी नॉन कॉग्निजेंस में कन्वर्ट हो जाते थे। लेकिन यहां पर अगर कोई ऐसा अपराध है जिसके खिलाफ एफआईआर होना कंपलसरी है, हमारे नए एक्ट में पुलिस के ऊपर ऐसी सख्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ऑन टाइम जीरो एफआईआर करनी पड़ेगी। सर एक सवाल और है, मान लीजिए जैसे ये एक्ट लागू हो गया 1 जुलाई से, अब मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको कोर्ट किस तरह से देखती है, और अगर कोई अपराध कर चुका है तो उसको कोर्ट किस तरीके से देखती है, ये दोनों सवाल है, थोड़ा इसके बताइए आप। हाँ जी, हाँ जी सर, आपने ये दोनों क्वेश्चन अच्छे पूछे हैं, मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन के जवाब देना चाहूंगा। पहले हम ये बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस तीनों एक्ट के अंदर कोई अपराध करता है तो कोर्ट का उस व्यक्ति को लेकर क्या नजरिया है। तो हमारे देश के वो व्यक्ति जिन्होंने जाने या अनजाने में कोई अपराध किया और वो उस क्राइम के थ्रू इस तीनों एक्ट में कवर हो गए, तो कोर्ट का उस व्यक्ति के लिए क्या नजरिया होगा। जैसे अभी तक इससे पहले के एक्ट में यदि कोई व्यक्ति अपराध करता था और उसके अपराध के लिए कोर्ट अगर उसको सजा देता था, तो सजा दो रूप से निर्धारित होती थी, या तो उस व्यक्ति के ऊपर फाइन इम्पोज हो जाता था या उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता था, या दोनों अप्लीकेबल हो जाते थे कि उसको फाइन भी देना है, इम्प्रिजनमेंट भी होगी उसकी। लेकिन अभी इस नए एक्ट में एक नई सजा ऐड की गई है जिसमें ये कहा गया है कि यदि व्यक्ति का अपराध ज्यादा संदिग्ध नहीं है, कॉग्निजेंस यानी ज्यादा जो है हिलेरियस क्राइम नहीं है, तो ऐसे में सजा के रूप में कोर्ट उस व्यक्ति को ये भी कह सकती है कि उसे 51-101 गरीब लोगों को खाना खिलाना है, उसे गुरुद्वारे में लोगों के जूते पॉलिश करने हैं, या उसे रोड पे रहने वाले व्यक्तियों को कंबल दान करना है। अगर इस तरीके की सजा इस नए एक्ट में रखी गई है, क्वेश्चन ये भी है कि इस सजा को कैसे प्रूफ किया जाएगा कि व्यक्ति ने ये सजा पूरी की कि नहीं की। तो ऐसे में कोर्ट सजा देने के बाद में एक डेट निर्धारित करेगा, उस डेट पर आकर व्यक्ति को उस सजा से संबंधित सारे एविडेंस अपने पेश करने पड़ेंगे। इसीलिए इस एविडेंस को भी रिवाइज किया गया है। मैं आपको बता दूं, ये तीनों एक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है और हर जगह पर इन तीनों एक्ट का काम होता है। ये तीनों एक्ट में से अगर किसी एक को हटा दिया जाए तो बाकी के दो अधूरे हैं। तो इसलिए जब कभी भी किसी क्रिमिनल ट्रायल की बात होती है तो उसमें आईपीसी का भी उतना ही योगदान है, सीआरपीसी का भी उतना ही योगदान है, और एविडेंस का भी। तो एविडेंस को इसीलिए रिवाइज किया गया कि अगर कोर्ट ने ये सजा दी कि आपको किसी गुरुद्वारे के व्यक्तियों को ये जूते पॉलिश करने हैं, 101 लोगों को आपको खाना खिलाना है, और अगली डेट निर्धारित की गई, तो उस डेट पर उस व्यक्ति को आकर कोर्ट के सामने एविडेंस एक्ट के तहत वो सभी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने पड़ेंगे, जैसे खर्चे का बिल कि उसने इतने कंबल खरीदे, या उसको उन सभी फोटोग्राफ्स और वीडियो की फोटो बनानी पड़ेगी कोर्ट के सामने कि मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, या उनको और ऐसे जो प्राइमरी एविडेंस है जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि आपने अपनी सजा पूरी कर ली है। तो इस प्रकार की सजा को भी इस नए एक्ट में शामिल किया गया है। दूसरी बात, आपने कहा कि यदि मान के ये चलिए कि किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत कार्य हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, तो वो उस अपराध के लिए इस तीनों एक्ट में कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाता है, कोर्ट का क्या नजरिया है। तो अभी तक क्या होता था कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है और कोर्ट उसके अपराध के खिलाफ उस व्यक्ति को न्याय दिलाने में समय लगा रहा है, और पूछे जाने पर यह पता चलता है कि कोर्ट के पास में इतने लोग अवेलेबल नहीं है, या कोर्ट के पास में उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं है कि वो जल्दी निर्णय ले सके, क्योंकि कोर्ट पहले से ही बर्डेड है केसों को लेकर, तो केस के कोर्ट के पास मैन पावर की कमी है, या कोर्ट के पास में टाइपिस्ट की कमी है, या कोर्ट के पास में अलग और पर्सन की कमी है, जिसकी वजह से कोर्ट समय पर निर्णय नहीं दे पा रहा। तो ऐसे में व्यक्ति को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था कि वो ऑर्डर कराते थे कि इस एक्ट के अंदर इस व्यक्ति के लिए सजा को जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाए या ट्रायल को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। लेकिन अब इस नए एक्ट में कोर्ट को बाउंड कर दिया गया है कि कुछ आपराधिक मामलों में इतने समय के अंतर्गत ट्रायल को कंप्लीट करना है, आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। इसी एक्ट में जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो सब जजेस, चाहे वो MM हो, CMM हो, या
डिस्ट्रिक्ट जज हो, वो सभी बाउंडेड हैं कि उन्हें कुछ आपराधिक मामले में ट्रायल को टाइमली कंप्लीट करना है, और टाइम ट्रायल कंप्लीट करने के बाद जो सजा उस एक्यूज के अगेंस्ट में, उस अपराध करने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट में निर्धारित होती है, वो निर्धारित की जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि नए एक्ट के अंदर देश की आम जनता को, जिनके जिन्होंने जिनके अगेंस्ट अपराध हुआ है, वो सभी सुरक्षित हैं, उनको समय पर न्याय मिल पाएगा। कोशिश यही है कि उन सभी व्यक्तियों को समय पर न्याय मिल पाएगा। सर, कानून तो लागू हो गया है, और अब आप हमारे माध्यम से देश की जनता को क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश की जनता को यही एक संदेश देना चाहूंगा कि ये जो नया एक्ट है, ये नया एक्ट दो लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो हमारे देश के सभी काबिल एडवोकेट्स के, और दूसरा हमारे देश के माननीय जजेस के लिए। ये दो व्यक्ति हैं जिनको इस एक्ट को सबसे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि एक एडवोकेट जितना पढ़ेगा उतनी जनता समझेगी, और एक जजेस जितने इस एक्ट को पढ़ेंगे उतना अच्छा न्याय मिल पाएगा। यदि इन दोनों व्यक्ति में से किसी एक कड़ी ने इसके ऊपर काम करना कम कर दिया, तो इस एक्ट का भी वही हाल होगा जैसा कि पुराने एक्ट का होता था। तो इस नए एक्ट को लागू करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, इस नए एक्ट को लागू करने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यदि हम इस नए एक्ट की परिसीमा को बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे देश के दो व्यक्ति, एक एडवोकेट्स और दूसरा जजेस, माननीय जजेस, इन दोनों व्यक्तियों को इस एक्ट को पढ़कर और समय समय पर उसका पालन करके जनता को न्याय दिलाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जी, तो हमें अपने देश की जनता से केवल यही संदेश है कि आप अपने उन सभी काबिल एडवोकेट्स पर पूरा विश्वास रखिए, और दूसरा हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर विश्वास रखिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने देसी न्यूज को। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, आपका चैनल देश हित, जिसको मैं समय समय पर देखता आ रहा हूँ, और देखने से मुझे पता चलता है कि आप जो दिल्ली की समस्या को ग्राउंड लेवल पर उठाते हैं, ये आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में उन सभी पत्रकारों की आवश्यकता है, उन सभी काबिल पत्रकारों की आवश्यकता है जो दिल्ली की समस्या को जमीनी स्तर से उठाते हैं। तो जमीनी स्तर से आप लोग उठा रहे हैं और उसको हमारे देश की सरकार के सामने रख रहे हैं, और आपकी आवाज सरकार तक पहुंच रही है और सरकार वो कार्य कर रही है, ये सुनकर और देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका और आपके चैनल देश हित का आभारी हूं कि आपने आज का समय मेरे लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।